नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आपका स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन की शुरुआत 19 सितंबर से यूएई में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के मैच के साथ हो रही है। मुकाबला अबू धाबी में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मुंबई का पलड़ा भारी है क्योंकि टीम ने पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स को 1 रन से हराकर फाइनल मुकाबला जीता था। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग भी इस मुकाबले को लेकर उत्सुक हैं। ऐसे में उन्होंने मुंबई के उस खिलाड़ी का नाम बताया जो सबसे खतरनाक है। दिल्ली कैपिटल्स को 20 सितंबर को टूर्नामेंट का अपना पहला मैच किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ दुबई में खेलना है, जबकि उनका अगला मैच 11 अक्टूबर को मुंबई इंडियंस के खिलाफ होगा। लेकिन आईपीएल की शुरुआत से पहले ही पोंटिंग ने मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा की प्रशंसा की है। पोंटिंग ने रोहित को डेंजर मैन कहा है। ये पूछने पर कि मुंबई इंडियंस के सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है, तो उन्होंने कहा, रोहित शर्मा इस सीजन में मुंबई इंडियंस के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं। वो दुनिया के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो या आईपीएल, उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। रोहित ने 2013 में मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में पदभार संभालने के बाद से टीम के 4 आईपीएल खिताब जीते हैं। रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को आईपीएल में सर्वश्रेष्ठ टीम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पोंटिंग ने कहा, रोहित अपने करियर के सबसे शानदार दौर से गुजर रहे हैं, उसे पछाड़ना आसान नहीं होगा। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।